अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन, सेफ एंड साउंड। आई एम अदी बानी, वी आर सोशल स्टडीज टीचर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर जियोग्राफी बुक, यूनिट नंबर 1, टाइप्स ऑफ जियोग्राफी। चैप्टर नंबर 3 है आज हमारा इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। टॉपिक है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ये एक सब ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, जैसे हमने ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ा था, ये भी एक ब्रांच है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। जियोग्राफी की एक सब ब्रांच है। दिस सब ब्रांच इज़ मोर मॉडर्न वन दैट रिलेट टू दिस साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी। मतलब हम साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट को। मतलब सिस्टमेटिकली में मतलब एनालाइज करना एनवायरनमेंट के कंपोजिशन को, इसके जो जो मतलब हमारे पास एनवायरनमेंट जिन चीज़ों से मिलकर बना है उन्हें स्टडी करना, एंड द इफेक्ट ऑन ऑफ इट ऑन बाय ह्यूमन एक्शन। और एनवायरनमेंट पर जो ह्यूमन एक्शंस के, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो इफेक्ट हो रहे हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से इफेक्ट कर रहा है, उन्हें स्टडी करना। ये सब हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में हम इकोलॉजी, मतलब हम जिन जगहों पर रह रहे हैं उन्हें स्टडी करते हैं। उसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी और इन्वायरमेंटल जस्टिस, सारा कुछ इन्वायरमेंट में मतलब जो जो हो रहा है उस सब को स्टडी करना, ये इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में आ जाता है। आगे है एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के एलिमेंट्स लिखें। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी इंक्लूड स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड बिल्ट इन्वायरमेंट। इसकी ये टू टाइप्स भी कहा जा सकता है और इसके एलिमेंट्स भी इन्हें बोला जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? तो नेचुरल से क्या जाहिर होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? नेचुरल कुदरती तौर पर जो चीज़ पाई जाती है, जो कि कुदरत ने हमें दी है, फितरत ने जो बनी बनाई मिली थी, जिसमें ह्यूमंस का कोई भी हाथ नहीं है, जो हमने खुद इन्वेंट नहीं की, हमने खुद क्रिएट नहीं की। वो सारा इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, उन्हें हम नेचुरल इन्वायरमेंट कह सकते हैं। इनमें हमारा सन, मून वगैरह, ये सारा कुछ हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इट इंक्लूड ऑल थिंग्स विच हैव विदाउट आर इंटरवेंशन और क्रिएशन, लाइक प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स एंड एवरीथिंग एल्स नेचर हैज़ गिवन। मतलब कुछ भी जो नेचर ने हमें दिया है, उसमें रिवर, लेक्स, पाउंड्स, प्लांट्स वगैरह, ये सारे जो नेचर ने हमें दिए हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। बेसिकली नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने क्यों पढ़ना है? तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने इसलिए पढ़ना होता है कि हम नेचर्स को, के कवानीन को, लाज को समझ सकें, हम ये समझ सकें आया कि इन चीज़ों के बनने की वजूहात क्या थी, इनके यूजेस क्या हैं। तो ये सारा कुछ हम नेचर किस में पढ़ते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट को स्टडी करके इसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ बिल्ट इन्वायरमेंट। बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है? तो बिल्ट मीन, एक तो नेचुरल क्या था, कुदरती तौर पर बिल्ट, जो कि तमीर किया जाए, जो चीज़ हमने बनानी है। द टर्म बिल्ट रेफर टू दी मैन मेड सराउंडिंग, मतलब जो सराउंडिंग्स मैन ने बनाई हैं, इंसान ने बनाई हैं, वो क्या हमारे पास सब बिल्ट इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं। दैट प्रोवाइड दी सेटिंग फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्राम बिल्डिंग एंड पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, सिटीज़, इंक्लूड एफर्ट इन स्ट्रक्चर लाइक पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पावर, मोबाइल फ़ोन टार एंड आल सच सिमिलर। मतलब इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बनाई हैं, वो सारी किस्में आ जाती हैं बिल्ट इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। इसमें बिल्डिंग्स आ जाएंगी, हाउस आ जाएंगे, पार्क्स आ जाएंगे, सिटीज़, और उसके बाद स्ट्रक्चर्स वगैरह, जो कि पाइपलाइन, मोबाइल फ़ोन टावर वगैरह, ये सारा कुछ हमारे पास बिल्ट इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ये भी हम ये
आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। और इसके बाद द बिल्ट इन्वायरमेंट इज़ ए मटीरियल एंड कल्चरल कम्बिनेशन मेड बाय अस फॉर आर लिविंग्स एंड कन्वीनियंस। मतलब ये कुछ मटीरियल है या फिर कल्चरल कम्बिनेशन होते हैं जो कि हम अपनी एज के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए बनाते हैं। इट इज़ स्पेस इन विच वी लिव, वर्क एंड इन्जॉय इन आर डेली लाइफ। मतलब ये हम जगहों को इस तरह बनाते हैं जिस पे हम काम करते हुए, रहते हुए इंजॉयफुल हो सकें, हम खुश रह सकें। स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन बुक पे मार्क कर लेने हैं और इन्हें लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।